बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम निमरा ज़फ़र। दिस इज़ द वीडियो बाय लीगल कंसेप्ट CSS, PMS एंड लॉ। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज़ लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोज़ टाइमली। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर। आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसज एंड सेक्शन 51 टू सेक्शन 58 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर, टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच प्रोमिसज एंड इम्पैक्ट ऑफ सच प्रोमिसज। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इनका जो असर होता है या इनका इम्पैक्ट जो होता है प्रोमिसेस का वो क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डेट हाउ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर परफॉर्म्ड। In a contract, the promisor and the promisee both undertake certain obligations towards each other. जैसे कि हमें reciprocal promises के नाम से ही पता चल रहा है कि reciprocal का मतलब होता है उलट, तो यहाँ पर reciprocal promises क्या होंगे कि एक दोनों parties के ऊपर जो है दोनों parties एक दूसरे से promise करेंगी एक ही time पर, तो वो हो जाएगा reciprocal promises और उसके नतीजे में दोनों parties के पास एक दूसरे की obligations होंगी, मतलब दोनों parties ने कोई duty perform करनी होगी। In the contract, the promisor and the promisee both undertake certain obligations, कि इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई ड्यूटी होती है परफॉर्म करने के लिए towards each other, मतलब एक दूसरे की ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, इन्होंने एक दूसरे के लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। These obligations can also be in the form of reciprocal promise और a promise in exchange of a promise, और इसको हम reciprocal promise भी कहते हैं या फिर promise in exchange of a promise, मतलब दोनों तरफ से एक ही same time पे दोनों तरफ से promise हो रहा है। The Contract Act 1872 provides for the law on the reciprocal promises in section 51 to 58. अब इसमें यह बात बताई हुई है कि section 51 से लेके section 58 जो है Contract Act 1872 का, वो हमें किस बारे में बताता है, reciprocal promises के बारे में बताता है, उसकी performance के बारे में बताता है, उनके consequences के बारे में बताता है और उसके impacts के बारे में बताता है। We will look at the provisions of each of these sections in detail, कि हम इन सब sections को 51 से लेके 58 को अब वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 51 को स्टडी करेंगे, विच इज़ द साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो एक ही साथ परफॉर्मेंस होती है या एक वक्त पे होती है दोनों तरफ से। परफॉर्मेंस किसकी, रेसिप्रोकल प्रोमिस, मतलब दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कोई वादा किया, प्रॉमिस किया, दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई हैं, दोनों की कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस हैं जो उन्होंने साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी है। इसे सेक्शन नंबर 51 डील करता है। सम कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और प्रॉमिसेस विच आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर दोनों पार्टीज़ ने अपनी ड्यूटीज़ को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना होता है, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक ही टाइम पे जिस तरह आप उनके दरमियान में तय हुआ होगा उसी तरह उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को या ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है। इन सच केसेज देर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द प्रोमिसर, कि इन केसेज में जो रेसिप्रोकल प्रोमिसज होते हैं इन केसेज में सिर्फ प्रोमिसर के ऊपर ही कोई ड्यूटीज़ नहीं होती बल्कि प्रोमिसी के ऊपर भी होती है, मतलब दोनों पार्टीज़ पर, to perform his promise unless the promisee is willing to perform his reciprocal promise, कि तब तक प्रोमिसर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा जब तक के प्रोमिसी जो है वो इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं होता या रजामंदी नहीं देता कि वो भी इन रिटर्न अपना जो प्रोमिस उसने किया था उसकी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा, मतलब दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। When you go to a shop, कि जब हम किसी shop पे जाते हैं, the shopkeeper agrees to give you the product in exchange for money,
कि शॉपकीपर हमें तब ही कोई चीज़ देता है जब हम उसे वादा करते हैं या उसके साथ प्रॉमिस करते हैं या उसे यकीन दिलाते हैं कि इन रिटर्न हम उसे पैसे देंगे। तो ये दोनों तरफ से प्रॉमिस होता है और दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस वेयर यू प्रॉमिस टू पे द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बदले में कोई वैल्यूएबल चीज़ उसको देते हैं। एंड द शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू गिव यू द गुड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, कि शॉपकीपर आपको प्रॉमिस करता है कि वो चीज़ देगा तब जब इन रिटर्न जो कस्टमर है उसको उसकी पेमेंट भी दे। इफ़ आइदर ऑफ़ यू इज़ अनविलिंग टू परफॉर्म योर प्रॉमिस, कि अगर दोनों में से कोई एक भी अपनी अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अनविलिंग है, मतलब रजामंद नहीं है, देन द अदर कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, तो दूसरा बंदा जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अ सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसज, के रेसिप्रोकल की जो प्रोमिसज की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस सीक्वेंस में होती है, कि कौन सा बंदा पहले अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, ये इसको सेक्शन नंबर 52 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ रेसिप्रोकल प्रोमिस द पार्टीज़ माइट एग्री अपॉन द ऑर्डर इन विच द प्रोमिसज आर परफॉर्म्ड, कि जब दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं तो वो इस बात को भी तय कर लेती हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो पहले अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगी, अपनी ड्यूटीज़ को कौन सी पार्टी पहले परफॉर्म करेगी। इफ़ डैट इज़ द केस देन द ऑर्डर एज मैंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉलोड, तो इन केसेस में हर चीज़ पहले से मेंशन होती है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसमें लिखी गई होती है या उनके दरमियान तय की गई होती है हर बात कि कौन अपनी ऑब्लिगेशंस को या ड्यूटीज़ को पहले कौन परफॉर्म करेगा, और उसी हिसाब से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वो उसी को फॉलो करते हैं। However, if the contract does not specify any such order, कि अगर ऐसा contract हो जिसमें ऐसे कोई sequence के बारे में पहले से mention ना हो या पहले से ना बताया गया हो कि कौन सा बंदा अपनी obligations को पहले perform करेगा, then the order of the performance of the reciprocal promises is determined based on the nature of the transaction. अब तो उसके बाद क्या होगा, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा अपनी obligations को पहले perform करेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि उसका contract जो है उन दोनों के दरमियान उसकी नौीयत क्या है, वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, उन उस कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांसिस को हालात को देखते हुए ये बात पता लगाई जाएगी कि कौन सा बंदा पहले अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा और इन रिटर्न दूसरा बंदा अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा। एग्जांपल, पीटर प्रॉमिसेस टू हेल्प जॉन फाइंड अ हाउस, कि पीटर जो है वो जॉन को प्रॉमिस करता है कि वो घर ढूंढने में उसकी मदद करेगा, इन लियू ऑफ जॉन्स प्रॉमिस टू पे हिम अ कमीशन फॉर द सेम, तो जॉन इन रिटर्न पीटर को प्रॉमिस करता है कि वो उसको कमीशन देगा इस चीज़ के लिए, कि पीटर हेल्प करेगा घर ढूंढने में तो जॉन उसको कमीशन देगा इस चीज़ का। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, अब इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा बंदा पहले अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा, ये बात पहले नहीं बताई गई थी, बस दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले कौन अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा। हाउएवर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट की क्या नौीयत थी, क्या हालात थे, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें इस बात के लिए हेल्प करेगा कि पहले कौन सा बंदा अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेगा। द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन सजेस्ट डैट पीटर शुड फर्स्ट हेल्प जॉन, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि पीटर जो है वो पहले जॉन को हेल्प करेगा गेट अ हाउस, मतलब घर ढूंढने में, बिफोर ही एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑफ पेइंग हिम कमीशन, उसके बाद ही वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस चीज़ के लिए कि उसको बदले में कमीशन मिलेगा। One party preventing the other from performance of the promise. इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को रोक रही हो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने से या उसके प्रॉमिस को पूरा करने से, कोई ऐसे हालात पैदा कर रही है एक पार्टी के दूसरा बंदा अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में क्या होगा, तो सेक्शन 53 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इट। In a contract consisting of reciprocal promises, if one party prevents the other from performing the performance,
देन द प्रिवेंटेड पार्टी हैज़ अ ऑप्शन ऑफ वॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक रही है उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, तो फिर जो जिस पार्टी को रोका जा रहा है, जो मतलब प्रिवेंटेड पार्टी है, तो वो इस बात जो इस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके दरमियान, उसको वॉइड कर सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है वहीं पर। ऑल्सो द प्रिवेंटेड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टी फॉर एनी लॉस डेट ही माइट सस्टेन ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है, अवॉइड कर सकती है, दूसरा उसको ये फेवर मिलती है कि उसके पास ये राइट होता है कि जो प्रिवेंटेड पार्टी है जिसे रोका गया है, उसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन की गई है, उसके काम में रुकावट पैदा की गई है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस क्या मतलब, वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है कि उसे कंपनसेशन दी जाए या कोई मुआवजा दिया जाए उसके बदले में कि उसको काम करने से रोका गया, और उसके काम करने के रोकने की वजह से जो एक पार्टी है जिसको काम करने से रोका गया है, वो चाहता है कि उसे मुआवजा मिले, इस बात का पैसे मिले अगर उसे किसी किस्म का लॉस हुआ है या उसे किसी किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसमें एक एग्जांपल है, पीटर एंड जॉन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पीटर प्रॉमिसेस टू पेंट जॉन्स हाउस। कि पीटर और जॉन हैं, दो बंदे हैं, वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं और पीटर ने प्रॉमिस किया है कि वो जॉन का घर जो है उसे पेंट करेगा। इन एक्सचेंज उसके बदले में जॉन प्रॉमिसेस टू पे पीटर रुपीज़ 10,000। जॉन जो है जिसका घर है वो पीटर को कितने रुपीज़ देगा, 10,000 रुपीज़ पे करेगा। क्यों? क्योंकि पीटर और जॉन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं जिसमें पीटर ने घर को पेंट करना है और जॉन ने इन रिटर्न उसे 10,000 रुपया देना है। एंड क्लियर द हाउस ऑफ ऑल फर्नीचर्स बिफोर पीटर बिगिंस। और पीटर के काम शुरू करने से पहले जो है जॉन की ये ड्यूटी है कि वो फर्नीचर को रिमूव करेगा, सारे घर के फर्नीचर को बाहर निकालेगा ताकि पेंट जो है उसे फर्नीचर ख़राब ना हो। ठीक है, हाउ एवर वेन पीटर स्टार्ट पेंटिंग, लेकिन जब पीटर ने अब पेंटिंग स्टार्ट की, ही फाइंड्स डैट जॉन हैज़ नॉट क्लियर द फर्नीचर एज प्रोमिस्ड। कि उसने ये देखा कि जॉन ने, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था, उसने फर्नीचर को बाहर नहीं निकाला। एंड डज नॉट एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट टू, और रिक्वेस्ट करने पे भी उसने ये काम नहीं किया। पीटर कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो पीटर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं वॉइड करा दे सकता है एंड क्लेम द मनी सिंस जॉन ऑब्स्ट्रक्टेड हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या है, एक तो वो वॉइड करा दे सकता है, दूसरा उसको फेवर वही वाली जो हमने ऊपर पढ़ी है कि वो कंपनसेशन के लिए उसे क्लेम कर सकता है। कंपनसेशन किस किस्म की, कि उसको आना पड़ा है इतनी दूर से, उसका घर पेंट करने के लिए आना पड़ा है, तो आने के लिए जो उसने ख़र्चा किया है वो उसके लिए मुआवजा ले सकता है अपना, कंपनसेशन के, उसको लॉस हुआ है ना एक, तो वो उस लॉस के लिए जो है वो पैसे मांग सकता है। रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस, सेक्शन 54 इसे डील करता है। इसमें क्या बात लिखी हुई है, डेट इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इफ़ द प्रोमिसर हु इज सपोज टू परफॉर्म द प्रोमिस बिफोर द अदर फेल्स टू परफॉर्म इट, कि अगर प्रोमिसर जो है, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात है कि प्रोमिसर ने पहले अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, देन ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर वो पहले, उसने परफॉर्मेंस करनी थी, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, तो फिर वो दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस के लिए जो है हकदार नहीं है, वो इस बात पे क्लेम नहीं कर सकता कि अगला बंदा अब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, क्योंकि जब उसने ही अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो अगला बंदा क्यों अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। ही इज़ ऑल्सो लाइबल टू कंपनसेट द अदर पार्टी, बल्कि इसके नतीजे में वो इस बात के लिए लाइबल करार हो सकता है कि वो अगले पार्टी को कंपनसेट करे, उसे कंपनसेशन पे करे, क्योंकि अगर उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से दूसरी पार्टी को लॉस हुआ है, तो फिर प्रोमिसर का ये हक बनता है कि वो कंपनसेट करेगा, दूसरी पार्टी को मुआवजा देगा इस चीज़ का। द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस डेट ही माइट सस्टेन ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि दूसरी पार्टी ने अगर कोई लॉस उठाया है प्रोमिसर की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो प्रोमिसर उसको कंपनसेट करेगा। इसमें एक एग्जांपल है, पीटर हायर्स अ कार फॉर अ मंथ एंड प्रॉमिसेस टू पे द कार रेंटल कंपनी अ सर्टेन अमाउंट। कि पीटर ने एक कार रेंट पर हायर की थी
जो कंपनी की तरफ से, और उस कंपनी को प्रॉमिस किया था कि वो इन रिटर्न में कुछ अमाउंट देगा कंपनी को। द कंपनी प्रोमिसेस टू सेंड द कार टू हिज हाउस विद इन 24 आवर। कंपनी ने यह वादा किया कि वो पीटर के घर पे 24 आवर्स के अंदर अंदर कार दे जाएंगे ऑफ रिसीविंग द एडवांस पेमेंट, अगर पीटर उनको एडवांस में कुछ पेमेंट दे देगा तो। क्योंकि हमने जब भी ऐसा कोई काम होता है तो पहले हमें एडवांस दे में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और बाकी के जो पैसे होते हैं वो काम पूरा होने के बाद दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर गाड़ी पहुंच जाएगी अगर आप हमें एडवांस में कुछ पेमेंट पहले से दे देंगे। अब हुआ क्या, पीटर डज़ नॉट मेक द पेमेंट। पीटर ने एडवांस में पेमेंट नहीं दी एंड फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, और पीटर ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने में वो फेल हो गया, क्योंकि उसने पहले, उसकी ऑब्लिगेशन बनती थी कि पहले वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करता फिर गाड़ी उसके घर पे आती। अब वो फेल हो गया, अब आगे क्या होगा। द कंपनी डज़ नॉट सेंड द कार आइदर, तो कंपनी में ने भी कार नहीं भेजी। कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर वॉइड करार दे दिया, कार नहीं भेजी। अब दूसरा, कंपनी के पास क्या हक है। पीटर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज प्रॉमिस। अब पीटर यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि कंपनी मुझे कार भेजे या परफॉर्मेंस करे अपनी प्रॉमिस की, क्योंकि पीटर ने पहले एडवांस में पेमेंट ही नहीं दी, तो वो क्यों अपना प्रॉमिस परफॉर्म करें। सिंस ही वॉज सपोज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस फर्स्ट, क्योंकि पहले उसको चाहिए था कि वो अपना प्रॉमिस जो है उसकी परफॉर्मेंस करता। ही विल ऑल्सो हैव टू कंपनसेट द कंपनी फॉर द लॉसेज सस्टेन्ड बाय देम ड्यू टू हिम नॉट पेइंग द एडवांस। लेकिन एक तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकती है, ये उसके पास हक है। दूसरा, कंपनी के पास क्या राइट है कि वो क्लेम कर सकती है पीटर को, कि वो पीटर जो है वो कंपनी को कंपनसेशन पे करे अगर कंपनी को उसकी वजह से कोई लॉस हुआ है। अब कंपनी को लॉस किस तरह का हो सकता है, यहाँ पे कंपनी को लॉस इस तरह का हो सकता है कि हो सकता है कि कंपनी ने, कंपनी का तो काम ही ये होता है कि उन्होंने रेंट पे गाड़ियाँ देनी होती हैं, तो जब पीटर के लिए उन्होंने वो गाड़ी रिज़र्व करके रखी हुई थी कि ये इस बंदे के घर पे जानी है, तो पीटर जब अपनी नॉन परफॉर्मेंस उसने की तो उनको तो लॉस हुआ ना, वो अपनी गाड़ी कहीं और रेंट पे दे सकते थे। तो इस तरह का लॉस जो है वो कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, तो इसलिए वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। फेलियर टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन अ टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो है वो वक्त का ख्याल रखा गया हो, टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो उसमें अगर परफॉर्मेंस जो है उसकी फेलियर हो जाए या परफॉर्मेंस परफॉर्म ना की जाए स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर जो कि टाइम डिसाइड किया गया हो, तो उसके उसमें क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसे सेक्शन 55 डील करता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंटेंशन ऑफ द बोथ पार्टीज इज़ डैट टाइम इज़ द एसेंस, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज़ की ये इंटेंशन हो कि टाइम ज़रूरी होता है, टाइम की बेस पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, एंड दैट द प्रोमिसर शुड परफॉर्म द प्रोमिस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि प्रोमिसर ने एक स्पेसिफिक टाइम जो उनके दरमियान में तय किया गया उसी टाइम पे अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना है, एंड द प्रोमिसर फेल्स टू डू सो, और अगर प्रोमिसर उसे परफॉर्म करने में फेल हो जाता है या नहीं, नाकाम हो जाता है, नहीं कर पाता, देन ही इज़ लाइबल टू पे कंपनसेशन टू द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस सस्टेन्ड बाय हिम ड्यू टू द फेलियर। तो प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी को कंपनसेशन पे करेगा अगर प्रोमिसी को किसी किस्म का लॉस हुआ उसकी वजह से। It is important to note that in every contract the terms can help you understand the intention. ये बात यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट में एक बात इम्पॉर्टेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो पहले से तय की गई होती हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के को समझने में मदद देती हैं, कि दोनों पार्टीज़ की जो इंटेंशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने में हेल्प करती हैं। अ शेयर ट्रेड इन अ सेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द शेयर्स आर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर मनी। अब शेयर ट्रेड क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर शेयर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं पैसों के बदले में। इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम इज़ ऑफ द असेंस, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिंस द प्राइस ऑफ द शेयर कैन फ्लक्चुएट विद टाइम,
वो क्यों टाइम क्यों इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर्स की जो वैल्यू होती है या शेयर्स जो होते हैं उनकी प्राइस जो होती है वो कभी वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब बदलती रहती है, कभी वो हाई हो जाती है कभी लो हो जाती है। तो शेयर्स की जो वैल्यू है या शेयर्स की जो प्राइसेस होती हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं टाइम के साथ साथ, कि एक टाइम पे उसकी प्राइस हाई थी एक टाइम पे उसकी प्राइस लो थी। तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़रूरी होता है। इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अलावा जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइक द सेल ऑफ लैंड, जैसे कि ज़मीन की सेल परचेज, वाइल द टाइम माइट नॉट बी इन अ सेंस, इसमें जो टाइम होता है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। इट कैन बी मेड सो बाय एक्सप्रेसिंग इट इन सो मैनी वर्ड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको किसी भी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसी भी तरह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑन टाइम ही परफॉर्म करना होता है। इफ़ द टाइम इज़ नॉट अ सेंस, कि अगर टाइम ज़रूरी नहीं है देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वॉइडेड, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं हो सकता ऑन ग्राउंड्स दैट द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस हैज़ एक्सपायर्ड। वो कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता या टाइम पे परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो अगर परफॉर्मेंस का टाइम गुजर भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड नहीं होता। इन सच केसेज द प्रोमिस इज ओनली एंटाइटल टू कम्पनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर फॉर एनी लॉस्ट कॉज बाय द डिले। लेकिन इसमें प्रोमिसी को एक छोटा सा जो है वो राइट ये मिलता है कि अगर डिले की वजह से उसे कोई लॉस हो रहा है, मतलब थोड़ा सा डिले हो गया या टाइम की एक्सपायरेशन के बाद वो परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसर जो है वो आया है, तो इसमें ये होता है कि अगर डिले होने की वजह से प्रोमिसी की अगर कोई कंपनसेशन वो है वो क्लेम कर सकता है अगर कोई लॉस हुआ है उसको। प्रोमिसी मतलब जिसके साथ प्रॉमिस हुआ था, प्रोमिसर ने जिसका काम करना था, अगर डिले होने की वजह से उसे कोई लॉस होता है तो वो कर सकता है क्लेम। हाउएवर इफ़ द प्रोमिस इज़ नॉट परफॉर्म्ड एट अ रीज़नेबल टाइम, लेकिन अगर प्रॉमिस जो है वो रीज़नेबल टाइम पे टाइम परफॉर्मेंस का टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद भी अगर रीज़नेबल एक टाइम होता है कि इस टाइम से बाद तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि कुछ टाइम रीज़नेबल दिया जाता है कि रीज़नेबल टाइम के बाद भी अगर प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म नहीं होता देन द प्रॉमिस ही कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तब प्रॉमिस ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है इवन इफ़ द टाइम इज़ नॉट द सेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं भी था फिर भी रीज़नेबल एक्सपायरेशन भी हो गई टाइम की, उसके बाद रीज़नेबल जो टाइम था वो भी गुजर गया, उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो कर सकता है, साथ में वो कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकता है। द प्रोमिसी आल्सो हैज़ द ऑप्शन टू वेव हिज़ राइट टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है इफ़ द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म इट विद इन अ रीजनेबल टाइम इन अ टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एट एनी अदर टाइम। अब यहाँ पे पहले बात आ गई है टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट की, कैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम ज़रूरी होता है। ही कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट एनी अदर टाइम, हाउ एवर ही कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस विद इन द एग्रीड टाइम अनलेस ही गिव अ नोटिस ऑफ इज इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन टू द प्रोमिसर व्हेन ही एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि तब तक वो कंपनसेशन के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अपनी इंटेंशन इस बात के लिए शो ना करे कि टाइम गुजरने के बाद अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं करते तो मैं तुमसे कंपनसेशन लूँगा। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तब वो तभी वो उसे इस बात के लिए बताएगा कि अगर तुम परफॉर्मेंस करने में नाकाम होगे तो तुमसे कंपनसेशन भी ली जाएगी। इसमें एग्जांपल है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट पीटर प्रॉमिसेस टू पे जॉन्स कॉलेज फीस फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, कि पीटर ने जॉन को प्रॉमिस किया कि वो उसकी कॉलेज की नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की फ़ी जो है वो पे करेगा। ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेंशन अ डेट, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डेट को मेंशन नहीं किया, ही नीड्स टू इंश्योर दैट ही पेज द फीस बिफोर द लास्ट डेट स्टिपुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, कि उन्होंने ये बात इसमें नहीं शो कराई कि जो इंस्टीट्यूशन जो है वो लास्ट डेट जो होगी फ़ी की उससे पहले पहले फ़ी पे हो जाएगी। इन दिस केस टाइम इज़ ऑफ अ सेंस, इस केस में अब टाइम जो है वो सेंसिटिव था, टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट था ये, टाइम ज़रूरी था। एंड पीटर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, और पीटर ने अपना परफॉर्मेंस जो है प्रॉमिस की वो नहीं की बिफोर द लास्ट डेट से पहले,
कैन कॉज लॉसेस टू जॉन, तो इससे जॉन को नुकसान हो सकता है. दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू सो मच.